कांग्रेस के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय बजट को युवा विरोधी बताते हुए इसे अंधेरे में तीर मारने की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में बेरोजगारी दूर करने के कोई सार्थक उपाय नजर नहीं आए हैं और युवाओं के लिए ये कोई भी ऐसी योजना का उल्लेख नहीं है जिससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ सकें। विक्रमादित्य सिंह ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वही घिसा पिटा आंकड़ों का पिटारा है जिसमें देश को सब्ज बाग दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट पूरी तरह दिशाहीन है जिसकी ना तो कोई दशा है और ना ही कोई दिशा, जिससे आम लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ये बजट देश में लक्षित विकास दर हासिल करेगा। यहाँ तक उस बजट में हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से अगर हम बात करें तो जो भाजपा सरकार का हिमाचल के अंदर जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार का जो एक दावा लगातार ये सरकार कर रही है, सरकार के मुख्य माननीय जयराम ठाकुर जी हर मंच पर हर स्थान पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के अंदर डबल इंजन का जिक्र करने से पीछे नहीं हटते, मगर आज इस केंद्रीय बजट में और चुनावी साल में ये बजट है, इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और मैं समझता हूं कि हर साल की तरह हिमाचल प्रदेश को इस केंद्र सरकार के बजट से निराशा के अलावा और कुछ भी नहीं मिला है। ये बात मैं केवल ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन के लिए नहीं कह रहा हूं। कई हमारे साथी सोचेंगे जो हमको मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि ये तो विपक्ष में है, तो विपक्ष में रहते हुए इनका तो काम है जो कमियां हैं उसको गिनाना, मगर ये तथ्यों के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर हम केंद्र सरकार के बजट को देखें तो हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तीन बड़ी चीज़ें ही हम जो है वो देखते हैं, चाहे हमारा बागवानी क्षेत्र में सेब का जो इम्पोर्ट है